गाइज वेलकम एवरीवन टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। आई होप एवरीवन इज एट होम एंड विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो आप सबको पता होगा हमने एक नया गिल्ड जीएक्स स्पोर्ट के नाम से क्रिएट किया है, जिसमें आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को दिल से लव यू यार, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था। तो अगेन इसके लिए थैंक यू सो मच मेरी जान। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इन टू द वीडियो। गाइज गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करनी होगी। पॉइंट नंबर वन, जो भी बंदा गिल्ड टेस्ट देने के लिए आएगा वो खुद कस्टम क्रिएट करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, जो भी पहला बंदा गिल्ड टेस्ट के लिए आएगा उसके और मेरे बीच 13 राउंड की कस्टम होगी, जिसमें उसे 4 राउंड निकालना है। अगर वो 4 राउंड इजीली निकाल लेगा तो वो गिल्ड में आसानी से आ जाएगा, समझ गया। पॉइंट नंबर थ्री, गिल्ड में आने के बाद नेम चेंज कंपलसरी है, जो कि आपके नेम के आगे जीएक्स लगाना पड़ेगा और आपको 7 डेज तक का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने 7 डेज तक अपने नेम को रिनेम नहीं किया तो आप गिल्ड से रिमूव कर दिए जाओगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा। पॉइंट नंबर फोर, फर्स्ट बंदे को गिल्ड में आने के बाद जो भी बंदा गिल्ड टेस्ट देने के लिए आएगा उनको 7 राउंड के कस्टम में 1v2 कराया जाएगा, जिसमें से उसे सिर्फ 2 राउंड निकालना है। अगर वो 2 राउंड बहुत ही इजीली निकाल लिया तो वो गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा। और गाइस गिल्ड में आने के बाद गिल्ड मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल भी है जो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। तो अब आप सब में से कई बंदे सोच रहे होंगे, अरे ग्लेक्स भाई आपकी गिल्ड में आने के लिए केडीए क्या चाहिए, हेडशॉट रेट क्या चाहिए, विनिंग रेट क्या चाहिए। उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अरे मेरे भाई वो सब कुछ नहीं चाहिए, बस आपको लाइव स्ट्रीम में आकर गिल्ड टेस्ट देना है। अगर आप गिल्ड टेस्ट में पास हो जाओगे तो आराम से गिल्ड ज्वाइन कर लोगे। तो गाइस जब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको जीएक्स स्पोर्ट्स गिल्ड में कैसे ज्वाइन करना है, तो आप में से कितने बंदे रेडी हो गिल्ड टेस्ट देने के लिए। और गाइस गिल्ड टेस्ट की डेट है 3 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे को। तो गाइस सारे के सारे बंदे गिल्ड टेस्ट के लिए रेडी रहना, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।